hello kids in this video of imo for class 6 i am going to discuss sample paper uh, according to the syllabus of 2023-24, let discussed discuss karte iska pattern in marking scheme. In this, there is 4 sections. First is Logical Reasoning, Mathematical Reasoning, Everyday Mathematics and Achiever's Section. Number of questions in Logical Reasoning 15, 1 mark for each question means total weightage is 15 marks. In Mathematical Reasoning 20 questions, 1 mark for each question means 20 marks is the weightage of this section. Everyday Mathematics, there will be 10 questions, 1 mark for each question and weightage of this section will be 10.

डिफरेंस थ्री एंड सिक्स प्लस थ्री हुआ सिक्स से इलेवन प्लस फाइव हुआ इलेवन से एटीन प्लस सेवन तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें प्लस नाइन होगा मीन्स एटीन में अगर हमने प्लस नाइन किया तो देट विल बी ट्वेंटी सेवन नाव वी हैव टू ऑप्शन ऑफ ट्वेंटी सेवन सी एंड डी तो अल्फाबेटिकल वाला चेक, कर, चेक करते हैं अल्फाबेटिकल में है एफ देन जी देन आई देन एल एफ प्लस वन जी जी प्लस टू आई आई प्लस थ्री आई के बाद क्या होता है j k एल प्लस थ्री किया तो l तो मीन्स जो नेक्स्ट होगा उसमें हम करेंगे फोर तो l के बाद फोर मीन्स m n o p ठीक है तो फोर प्लस फोर पे क्या आएगा p मीन्स c इज द राइट ऑप्शन ट्वेंटी सेवन बी फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर टू ड्रॉ द गिवन फिगर इसमें ऑल लाइन्स सारे स्टेट्स काउंट कर लेते हैं कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन तो नाउ ऑप्शन देखते हैं बी इज़ द राइट ऑप्शन क्वेश्चन इज हाउ मेनी डॉट्स डॉट्स अपोजिट टू द द फेस हैविंग फोर नेट ऑफ क्यूब इज फोल्डेड तो हमें बताना है किसके अपोजिट में इसके अपोजिट में ठीक है तो इसके अपोजिट में क्या होगा ऑल्टरनेट्स होते हैं इसके अपोजिट में देखो सिक्स के अपोजिट में ये है फोर के अपोजिट में फाइव है मीनस फाइव ऑप्शन सी इज करेक्ट नाव क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग फर्स्ट क्वेश्चन इज द गिविन टेबल शोज द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर सेवन कॉन्जिक्यूटिव आवर्स कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द हाएस्ट एंड द लोएस टेम्परेचर ऑफ द सिटी ओवर द सेवन आवर्स पीरियड नाओ हाइस्ट टेम्परेचर क्या है जो हाएस्ट पॉजिटिव नंबर होगा मीन्स दिस इज एंड हमें डिफरेंस चाहिए हाइएस्ट एंड लोएस्ट में एंड लोएस्ट मीन्स जो मैक्सिमम नेगेटिव होगा मीन्स माइनस सिक्स दिस इज द लोएस्ट आप डिफरेंस चाहिए इसका तो ट्वेंटी थ्री माइनस माइनस सिक्स ट्वेंटी थ्री प्लस सिक्स विल बी इक्वल टू ट्वेंटी नाइन डिग्री सेल्सियस तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी इफ टू बैलेंस द स्केल फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन तो यहाँ पर क्या है ये दोनों ही लेट दिस इज एक्स एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू दिस तो हम क्या करेंगे एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे इस वैल्यू को इससे अट्रैक्ट कर दें तो वी गेट द आंसर तो लिखते हैं एक्स

फाइव यहाँ है माइनस और माइनस साइन दोनों को हमने जब ब्रैकेट ओपन किया तो दिस विल बी प्लस ट्वेंटी नाइन यहाँ प्लस और माइनस के साइन को अगर प्रोडक्ट किया तो क्या होगा माइनस वन नाउ माइनस और माइनस का प्रोडक्ट होके क्या आएगा प्लस एटी टू फिर प्लस और माइनस के प्रोडक्ट से क्या आएगा माइनस थ्री ठीक है सॉल्व करते हैं माइनस वन प्लस फिफ्टी फाइव से क्या हो जाएगा प्लस फिफ्टी फोर प्लस ट्वेंटी नाइन माइनस वन से क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट प्लस एट्टी टू से माइनस थ्री किया तो दिस बी नाइन नाउ ऐड करते हैं तो फोर प्लस एट्लेंटी यहाँ आया टू टू प्लस नाइन नाइन प्लस टू इलेवन और इलेवन प्लस मीन्स वन हंड्रेड सिक्सटी वन ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस नाउ क्वेश्चन फ्रॉम एवरीडे मैथमेटिक्स ऑन अ हिल द टेम्परेचर एट एट पी एम वॉज टू डिग्री सेल्सियस बट एट द मिड नाइट ऑफ द सेम डे इट फेल टू माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस बाई हाउ मच डिग्री द टेम्परेचर फॉल तो इसमें माइनस थ्री तो दोनों का डिफरेंस ले लो टू डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस दिस विल बी टू डिग्री सेल्सियस प्लस थ्री डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फाइव डिग्री सेल्सियस बी इज द राइट ऑप्शन नाउ क्वेश्चन नंबर एट विशाल अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड फोर टाइम्स चार चक्कर लगाता है इफ द रेक्टेंगुलर फील्ड वाज 135 मीटर लॉन्ग एंड 78 मीटर वाइड देन हाउ फार डिड विशाल जॉग तो वो कितना कवर करेगा उसके पेरीमीटर का फोर टाइम्स तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए टू मल्टीप्लाइड विथ एल प्लस बी ठीक है ये है पेरीमीटर ठीक है तो अब पैरीमीटर फैक्ट आउट करते हैं टू को मल्टीप्लाई किया, एल की वैल्यू क्या दे रखी है 135, बी की वैल्यू क्या दे रखी है 78, दोनों को ऐड किया, तो 8 प्लस 5 13 की 3 पावर आई 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, 11 की 1 पावर आई 2, यहाँ आ गया 2, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट इज द आंसर? टू थ्री ज़ा सिक्स टू वन जै टू 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 ज़ा फोर ये तो हुआ एक चक्कर के लिए अगर हमें फोर चक्कर लेने हैं तो कितना हो जाएगा फोर टू सिक्स मल्टीप्लाइड विथ फोर तो क्या आएगा फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर की फोर पावर आई टू फोर टू ज़ा एट एट प्लस टू टेन की जीरो पावर आई वन फोर फोर जिक्सटीन प्लस वन क्या होगा सेवनटीन तो आंसर इज डी सेवनटीन हंड्रेड जीरो फोर सेवनटीन हंड्रेड फोर मीटर नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन फिगर पी इज मेड अप ऑफ सिक्स आइडेंटिकल स्क्वायर्स टू स्क्वायर्स वर रिमूव फ्रॉम फिगर पी टू फॉर्म फिगर क्यू द पैरीमीटर ऑफ द फिगर पी इज टू फोर्टी सेंटीमीटर वॉट इज द पैरीमीटर ऑफ फिगर क्यू तो इसमें क्या करेंगे हम किसी एक साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देन वी कैलकुलेट दिस तो सबसे पहले तो साइड्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन तो ये हो गए और हाफ और हाफ मिला के एलेवन और ये हो गए ट्वेल्व ठीक है मीन्स की टू फोर्टी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व देन वी गेट द वन साइड ट्वेल्व से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला ट्वेंटी नाउ इसमें कितने साइड्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट तो ये हो गए और ये दो हाफ मिला के नाइन और ये मिला के टेन मीन्स ट्वेंटी को मल्टीप्लाई करो विथ टेन तो वी गेट आंसर टू हंड्रेड सेंटीमीटर ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस नाउ इन दिस क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ

तो टेन करोरस में हंड्रेड मिलियन इस हंड्रेड लैक्स इज इक्वल टू क्यू मिलियन वी नो की वन टेन लैक्स इज इक्वल टू होता है वन मिलियन तो हंड्रेड लैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन मिलियन मीन्स क्यू इज इक्वल टू टेन आर करोड़ इज इक्वल टू हंड्रेड मिलियन वी ऑल नो कि इन वन करोड़ होते हैं टेन मिलियन तो यहाँ पे क्या होगा टेन करोड़ इज इक्वल टू हंड्रेड मिलियन तो आर की वैल्यू होगी टेन देन थाउजेंड्स थाउ हंड्रेड थाउजेंड्स इज इक्वल टू पी लैक्स तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन और टेन करोड़ इज इक्वल टू एस मिलियन मीन्स की एस इज इक्वल टू हो जाएगा एक करोड़ में होते हैं टेन मिलियन तो टेन करोड़ में क्या होंगे हंड्रेड तो नाउ वैल्यू को पुट करते हैं तो पी की वैल्यू क्या है वन प्लस क्यू की वैल्यू क्या है टेन डिवाइडेड बाई आर है टेन और मल्टीप्लाइड विथ क्या है एस मीन्स की हंड्रेड ठीक है तो जीरो जीरो ऊपर क्या आया इलेवन मल्टीप्लाइड विथ टेन इज इक्वल टू वन वन जीरो तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर क्या है वन वन जीरो तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस थैंक यू सो मच